बैठिए, कमर गर्दन सीधी करके, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बड़े ही विनम्र भाव के साथ बंद, मुख पर प्रसन्नता के भाव, दो से तीन दीर्घ श्वसन करिए और पहले 3 बार लगातार पवित्र ओम बोलते हुए फिर मेरे साथ प्रार्थना दोहराइए। भरिए श्वास। चित्तस्य परेण वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ के अपने वक्षस्थल के पास स्थापित करें। अपने इष्ट देव अपने आराध्य को दोनों आईब्रो सेंटर में स्थापित करते हुए उनको मनी मन नमन करिए। उनसे संपूर्ण विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करिए, अर्चना करिए और परस्पर दोनों हथेलियों का मर्दन करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करिए। हथेलियों में अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद हथेलियों को कप शेप बना करके पूरे फेस हेड नेक शोल्डर चेस्ट स्टमक बैक थाइज लेग्स होल बॉडी के लगाते हुए लेने से वापस आ जाइए। तो शुरू करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल योगा को पढ़ रहे हैं। लास्ट कक्षा में हम लोग जो सेटकर्म वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार को देख चुके हैं कि सूर्य नमस्कार का परंपरागत रूप से किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था और कैसे किया जाता है, ये हमने चर्चा कर ली है। आज इससे आगे जो बिंदु है वो है आसनों का, कि हम आसनों पे चर्चा करेंगे और आसनों में भी सबसे पहले जो है वो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों पे चर्चा होगी। आपको स्क्रीन विजिबल कराता हूं। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? जी सत्येंद्र जी। थैंक यू पूजा जी। ये देखिए आज का जो अपने सिलेबस आपके पास होगा तो उसमें जो खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले अर्धकटी चक्रासन कुछ इस हिसाब से किया जाता है।
जैसे कि जो त्रिकोण आसन है उसमें क्या करते हैं हम लोग पैरों में गैप करते हैं, लेकिन इसमें विदाउट गैप किए हम इस आसन को करते हैं। और इसका काउंटर देखें तो दूसरे हाथ से, पहले एक एक हाथ से करते हैं, ज्यादातर इन्होंने लेफ्ट हैंड से कर रखा है, और फिर उसे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से दोनों से एक एक बार ऐसे करना होता है। और इसकी क्रिया विधि आप देख ही रहे हो, समस्थिति में खड़े हुए हैं, दोनों पैर मिला करके पैरों में एक या दो इंची का गैप, और पूरे शरीर को पहले ऊपर की तरफ खिंचाव देना है, राइट हैंड अप करके ऊपर खींचें, और फिर उसके बाद जो है लेफ्ट साइड बेंड हो जाना है। बॉडी के अलाइनमेंट का ध्यान रखना है यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बेंड होते वक्त या तो अपना जो नीचे वाला पोर्शन है, या फिर ये कहें जो एक ऊपर वाला शोल्डर है वो तो सिर के ऊपर है, लेकिन एक नीचे जो शोल्डर है उसको क्या करते हैं, या तो ज्यादा आगे कर देंगे या ऐसे पीछे कर देंगे, तो उसका यहाँ जो इफेक्ट इस लाइन पे जो आता है, एक लाइन पे जो इफेक्ट बनना चाहिए नीचे यहाँ लेग के यहाँ तक जो एक लाइन पे इफेक्ट आना चाहिए वो उस पे ना आकर के ट्विस्ट रूप में पड़ने लग जाता है। तो वो उसकी गलत फॉर्म है कि आप उसको इस तरीके से ना करें, इसका वास्तविक रूप ये है कि आप इस तरीके से इसे करें, ठीक है। तो ये इसकी क्रिया विधि रही। बाकी इसके फायदों की बात करें तो आप अपना लॉजिक यूज करेंगे तो देखोगे कि यहाँ पे देखिए ये वाली जो पोर्शन है पूरी की पूरी इनकी स्ट्रेच हो रही है, यहाँ से पूरा शरीर, विशेषकर यहाँ से पूरा का पूरा शरीर देखिए किस तरीके से पूरा खिंचाव हो रहा है, और सारी की सारी मसल्स इवन हैंड्स तक ये सारा खिंच रहा है। और विशेष रूप से जो ऑर्गन है यहाँ से लोअर बैक से लेकर के और जो वक्षस्थल और शोल्डर तक के जो इस साइड जितने ऑर्गन आएंगे वो इससे सभी इफेक्टेड होंगे, जिसमें कि यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बैक साइड में किडनीज आ रही हैं, फिर उसके ऊपर अगर आपका लेफ्ट साइड है तो पैंक्रियाज और तिली आएगी, फिर स्टमक आएगा और लंग्स आएगा, लेफ्ट लंग, फिर हार्ट आएगा, और इसी प्रकार से ये पूरे शोल्डर की मसल्स आदि सब स्ट्रेच होंगी। जब इसका काउंटर करेंगे तो सेम बेनिफिट दूसरी तरफ होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये फायदा है। रही बात की इसकी, यदि हम देखें कि किसे नहीं करना चाहिए, यदि इस आसन को देखा जाए कि कौन नहीं कर सकता, तो विशेष रूप से यही है कि देखो हर आसन के ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होते कि सबके लिमिटेशंस ही हों ऐसे वो नहीं कर सकता। विशेष रूप से ज्यादातर हाइपरटेंशन में हर एक आसन पे थोड़ा गौर फरमाया जाता है कि हाइपरटेंशन में ये करने योग्य है कि नहीं है, ये चीज हमें देखनी होती है। और कुछ लोगों को जैसे क्या है कि ये माइग्रेन रहता है, तो माइग्रेन भी उससे जुड़ी समस्या है, तो उस समय क्या है कि वो बेंड कर रहे हैं शरीर को, जो साइड बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है और बैक बेंडिंग है, ये स्पाइन की किसी भी प्रकार की समस्या है उसमें वो बेनिफिट ही देते हैं सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग को छोड़ के। तो यहाँ पे ऐसी कोई विशेष रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी आप अपने लॉजिक यूज करके और भी देख सकते हो। कुल मिलाकर के जो सर्जरी का जो विषय है कि सावधानी, जिनकी कोई न्यू सर्जरी किसी भी प्रकार की हुई है किसी ऑर्गन की, वो 6 महीने वाली जो बात है कि लगभग 6 मंथ उन्हें अवॉइड करना चाहिए जो खिंचाव वाले एक्सरसाइजेज है, वो हल्की फुल्की रिलैक्सेबल और दूसरी टाइप के जो ध्यानात्मक आदि कर सकते हैं। बाकी जो संवर्धनात्मक आसन, ये आएगा संवर्धनात्मक की इस कैटेगरी में, ठीक है। तो इस टाइप के आसन उन्हें अवॉइड करने हैं, और ये जो सावधानी है वो लगभग सब पर फॉलो होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इस आसन से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई जिज्ञासा, कोई डाउट हो तो हम आगे बढ़े, नहीं हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। इसको अर्ध तिर्यक ताड़ासना भी कहना उचित होगा क्या? तिर्यक ताड़ासन में देखो कुंदन जी पूछ रहे हैं ना? जी जी, अर्ध तिर्यक ताड़ासन कह दो, नहीं तो उसमें ताड़ासन में एक्चुअली होता क्या है,
और तिर्यक ताड़ासन में होता क्या है कि जो हाथ है वो दोनों ऊपर होते हैं और इसमें एक ही हाथ यूज किया जा रहा है। आप देखो इस तरीके से ये जो है शोल्डर इतने खिंचा दिए कि आपके कंधे कानों को स्पर्श किए, ये ताड़ासन है। और इसी को यदि मैं बैंड कर दूं कुछ इस टाइप से, राइट बैंड या फिर लेफ्ट बैंड ये कुछ करूं, तो ये तिर्यक ताड़ासन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक हाथ से हो रहा है। बाकी देखो मैंने पहले भी बताया कि एक्चुअली होता क्या है कि एक आसन के कई कई जगह अलग अलग कई नाम हैं, बहुत जगह, तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे ये कौन सा है या इसे क्या। आप याद कर लेंगे कि इस आसन को ये भी बोलते हैं, इसका नाम ये भी है, ठीक है। इस टाइप से आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है ये वाला आसन, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है ये पाद हस्तासन। पाद हस्तासन हम लोगों ने सूर्य नमस्कार में भी इसको समझा था और ये सूर्य नमस्कार के अंतर्गत आने वाला एक आसनों में से एक है, जो उसके अंतर्गत जो आसन आते हैं उनमें से एक आसन यह भी है पाद हस्तासन। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है और संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत आता है। इसमें आगे की तरफ झुकना होता है जैसा कि आप देख रहे हो। इससे क्या है कि जो एब्डोमिन मसल्स विशेष रूप से प्रेस होती हैं और स्पाइन खींच के लंबी भी होती है। स्पाइन जिस लंबी क्या कहेंगे या तो ये कह सकते हैं वो तो जो जिसकी जो हाइट है वो रहेगी, बाकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके साथ साथ ये पेट के ऑर्गन और वक्षस्थल पे भी काम करता है। अधोमुख होने वाला आसन है और कहें हम इन्वर्टेड पोस्चर की कैटेगरी में आता है कि इससे क्या है कि सिर की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इसे जो करने का तरीका है वो नॉर्मली एक समय स्थिति में खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों को क्लोज करके एक दो इंच का गैप, और फिर जिस प्रकार से ताड़ासन एक ऐसे भी करते हैं सीधे हाथों को उठा के, एक फिंगर्स लॉक करके भी करते हैं, तो इस प्रकार से खींचते हुए पूरे शरीर को, बाकी एक्सहेल करते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग किया जाता है और दोनों हाथों को यहाँ पे देखो ये थोड़े एंकल पकड़ लिए, बाकी यहाँ दोनों हाथों को टोज के पास में दाएं बाएं ग्राउंड पे भी रख लेते हैं, कहीं पे ये भी चलता है। तो मुख्य रूप से वैसे तो यह ग्राउंड पे रखना ज्यादा प्रचलन में है और इस हिसाब से खिंचाव देते हैं पूरे शरीर पे कि यहाँ पे जो बीच का गैप है ये वाला, ये कम से कम गैप रहे। आप कोशिश ये करें कि यहाँ आर पार दिखाई नहीं देना चाहिए, आप इतना खींचे अपने आप को कि पूरा एब्डोमेन आपकी थाई से लग जाए, और जब एब्डोमेन थाई से लग जाएगा तो चेस्ट थाई के पास तक जाएगी और आपका जो फोर हेड है वो फोर हेड देखोगे आपके पूरा का पूरा नी से भी नीचे पहुंच गया है, इतना बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी ये यदि इसकी सावधानी देखें तो जो अपने माता बहनों में जो मासिक धर्म के दौरान यदि इस आसन को करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है कुछ ब्रेन की तरफ हो जाता है, या ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज्यादा होने की वजह से उस दौरान माताएं बहनें इसे अवॉइड करें। और दूसरी चीज, जिस किसी को भी बैक की समस्या है, किसी भी प्रकार का बैक पेन है, कहीं पे भी लंबा थोरेसिक और जो लोअर बैक सैक्रम रीजन में है किसी में भी है, तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि इस पाद हस्तासन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखने वाला बिंदु है। तो क्लियर है ये, इस आसन से जुड़ी कोई भी जिज्ञासा किसी की कुछ है तो नहीं। अरे आप लोग मैसेज करिए। हाँ बिल्कुल कुंदन जी, ये सिन बोन पे जाके फोर हेड हमारा नी से भी नीचे जो सिन बोन है जिसे
टिबिया फेबुला, टिबिया बोन जो है उसे सिन बोन भी बोलते हैं, वहां पे जाके टच होता है, इतना अच्छा खासा स्ट्रेच दे पाते हैं हम। लेकिन इसमें सदैव ध्यान रहे कि जब आप स्ट्रेच दे रहे हो तो पहले शरीर को स्पाइन में इतना आर्च लाने की कोशिश करो कि इतनी आर्च आए स्पाइन पूरी खींच सके, तब आप नीचे बैंड जाओगे, तब उस लेवल तक पहुंच पाओगे। नहीं तो आप कोशिश करोगे कि ऐसे ही नॉर्मली स्पाइन खींची नहीं और ऐसे ही जाने की कोशिश करी, तो आपसे मुश्किल होगा कि आप ग्राउंड को भी टच कर पाओ। ठीक है, सभी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। पाद हस्तासन क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग खड़े होने वाले में, वो ये है जिसे अर्ध चंद्रासन, अर्ध चक्रासन या चंद्रासन भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे अर्ध चक्रासन नाम दिया है और कहीं कहीं इसे अर्ध चंद्रासन भी कहा जाता है। आप दोनों नाम याद रखें, नामों को लेके कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ना ही विवाद करना है किसी से। तो आप देख रहे हो क्या स्थिति है इसमें शरीर की, कि बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है, संवर्धनात्मक आसन है, दोनों पैरों को मिला करके। देखिए, जब दोनों पैरों को मिलाने की बात कही जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चिपका दो, बिल्कुल चिपका दोगे पैरों को तो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप 2-3 इंची का गैप फिर भी रखें अच्छे बैलेंस के लिए, और अपने जिन्हें आप करा रहे हैं उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखें। तो दोनों हाथों को हाथों से इस प्रकार या इस प्रकार जो थंब को आगे की तरफ करके स्पाइन को पकड़ते हैं और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ बेंड करते हैं। आपको ध्यान रहे कि इसमें मोस्टली चक्कर आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर जा पाना कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, तो आप उस बात का विशेष ध्यान रखें, इनहेल करते हुए जाएं, और यदि अनकंफर्टेबल लगे चक्कर टाइप सा तो तुरंत वापस आएं। और दूसरी चीज, आंखें खोल कर रखें। कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो एक तो वैसे भी अवेयरनेस कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो तो कुछ क्षण के लिए कम हो जाता है वहां पे, और फिर कुछ लोग आंखें और बंद कर लेते हैं तो वो निश्चित है उनके गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं। और यदि इसी स्थिति में कोई गिरा, मैं एक बार चोट खा चुका हूँ इसमें अपनी बता दूं, मैं गिरा भाई, मुझे बहुत सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ दिखाई दे रहा था कुछ क्षण के लिए, तो मैं लेट गया, मैं अचानक जोश योश में ज्यादा बेंडिंग कर दी इस तरीके से, और ये वाला नहीं था एक्चुअली, वो क्या था, वो दोनों हाथों को सीधा इस टाइप से ले जाते हैं, उस वाले में गए थे, इसमें तो नहीं, तो सीधे यहाँ सर पे चोट लग गई थी। तो इससे नेक और स्पाइन को बड़ी इंजरी हो सकती है, तो आप बड़ी ही सावधानी से जाएं, श्वास भरते हुए जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम होल्ड करें, यानी कि आपने लंबा होल्ड करना ही है। और यदि आप अच्छे अभ्यासी हैं तो आप लंबे समय तक 1 मिनट 30 सेकंड जो भी है आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बेनिफिट ये हैं कि आप देख सकते हो स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के लिए बड़ा ही अच्छा या लाभप्रद सिद्ध होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा वक्षस्थल देखो कितना स्ट्रेच हो रहा है, लंग्स खिंच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी लाभप्रद है ये। और यहाँ हमारा थ्रोट प्रदेश जिस जगह पे थायराइड ग्लैंड स्थित है, पैराथायराइड है, वो पोर्शन भी अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो रहा है, तो यहाँ पे भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो थायराइड और पैराथायराइड से जो T3 T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो भी बैलेंस अवस्था में रहता है इस आसन को करने से। ठीक है, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग, और हार्ट भी, जब लंग्स ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं तो हार्ट को रिलैक्स होने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, तो अब रही सावधानी की, बता दी कि आप विशेषकर जो हाइपरटेंशन के समय, यदि बीपी के समय, हर एक आसन में लगभग बीपी की विशेष ध्यान रखना होता है, ज्यादातर आसनों में जो संवर्धनात्मक हैं उनमें आप
ब्लड प्रेशर के अगर पेशेंट को ऐसे कराओगे तो वो एकदम चक्कर आ सकते हैं उसे, और ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। तो उसे हल्के से थोड़ा हल्का फुल्का कराएं, और नहीं तो उसे आप लेटा के कराएं पेट के बल, जैसे कोबरा वाली स्थिति में, या फिर दोनों हाथों को पीछे से फिंगर्स लॉक करके इस टाइप के आसनों को अवॉइड कराएं। क्लियर है सभी को? मैसेज करिए। अच्छा, आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। सर, एक कंफ्यूजन था, जो अर्धचंद्रासन है वो तो हम बैठ के एक पैर पीछे करके दोनों हाथ को जोड़ के पीछे करते हैं ना? अर्धचंद्रासन जो कह रहे थे वो आप ये कह रहे थे कि ऐसे दोनों हाथों को सीधा रख के जो जाते हैं, हस्तोत्तानवी जिसे कहते हैं, सूर्य नमस्कार की एक पोजीशन है, नहीं यही सर, जब कहना हम चाह रहे नीचे हो आप? बैठते हैं एक, नहीं सर, नहीं सर, जब हम नीचे बैठते हैं एक पैर हमारा पीछा होता है, मतलब हम अष्ट संचालन में बैठते हैं और फिर उसके बाद हम अपने अर्धचक्रासन जो दोनों हाथ कहते हैं उठाते कि हैं जो, पीछे। हाँ आप जो कह रहे हो लेट के जो अर्धचक्रासन कहते हैं और पूर्ण चक्रासन कहते हैं, कि मतलब जो खड़े खड़े वो जाते नहीं हैं होते सर, सर, वो वो अश्व कैमल संचालन पोज। में बता नहीं रही है नहीं मैम सर, ये सर। चंद्र नमस्कार, चंद्र नमस्कार के अंदर आता है जो मैम कह रहे हैं ना, ये चंद्र नमस्कार में आता है वो वाला पोर्शन। जी, उसको कहीं अच्छा, जगह पे अर्धचंद्रासन बोला जाता है, इसलिए मैं कंफ्यूज मैंने हो गई। पहले बता दिया मीनाक्षी जी, इसे अर्धचंद्रासन भी बोलते हैं और कहीं चक्रासन भी कहते हैं। मैंने ये वाली बात सबसे पहले बताई थी कि इसको अर्धचंद्रासन भी बोलते हैं, ठीक है, यस सर, इस क्योंकि बात को उसको भी लेके हमें। अर्धचंद्रासन कहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। जो मैंने नहीं आपको आप बताया ना, जो उसको भी अर्धचंद्रासन बोलते हैं। हाँ अर्धचक्रासन लिखा है क्योंकि सिलेबस में इसी का नाम जो है अर्धचक्रासन है, और वैसे भी इसे अर्धचक्रासन भी कहते हैं और अर्धचंद्रासन भी है ये। नेक्स्ट बने ओके हमारा सर, त्रिकोणासन त्रिकोण आसन, आप ये देखिए, दोनों पैरों को करीब 2.5 से 3 फीट गैप किया और यहाँ पे फिर दोनों हाथों को इस प्रकार दाएं बाएं फैलाया जाता है और एक साइड में पहले इनहेल करके एक साइड में टो से टच करना होता है, दूसरे हाथ के पाम्स को देखना होता है, ठीक है, दूसरे हाथ की जो ऊपर हाथ है उसके पाम्स को देखना होता है और नीचे वाला हाथ तो तक जाए और घुटने सीधे रखने की कोशिश। ये जो है त्रिकोण आसन है और ये विशेषकर आपकी जो साइड फैट होती है, जो यहाँ पे जो किनारे की फैट होती है कुल मिलाकर के, ये जो साइड चर्बी जिसे कहते हैं, और इवन यहाँ पे जो हिप रीजन पे जो ज्यादातर फैट जम जाती है उसको दूर करने के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये और इसका काउंटर पोज सेम दूसरे तरफ से इसी को कर देते हैं, अभी राइट हैंड से किया तो फिर लेफ्ट हैंड से दूसरी तरफ कर दो, तो इस टाइप से ये त्रिकोण आसन है और त्रिकोण आसन हमारे प्रचलन में काफी है, हम सभी लोग लगभग परिचित हैं इसके फायदे, साइड मसल्स को, ये लंग्स को और तिल्ली, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और थाई मसल्स, इवन पूरी की पूरी एक साइड से मसल शुरू की जाए और फिर दूसरी तरफ की तरफ इसे करता है। अगर किसी की क्रॉनिक बैक की समस्या है, कोई ज्यादा बड़े लेवल की स्लिप डिस्क है या फिर कोई और जिन्हें लंबे समय से बैक की समस्या है, बहुत दिक्कत रहती है उन्हें, थोड़ी एक होता है कि हल्का फुल्का टोन लेवल चलता है, कुछ होता है कि जिन्हें बहुत ही जो मोड़ ही नहीं पा रहे, तो उन्हें बड़े ध्यान से इसे करना होता है कि वो ध्यान से करें, हल्के से कम करें, इतना बेंड ना हो क्योंकि फिर दिक्कत बढ़ने की चांसेस हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। क्लियर है ये आप सभी को त्रिकोण आसन? गुड।
बिल्कुल कुंदन जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, ये परिवर्त कर दिया है थोड़ा, ये टाइपिंग हुआ है, नेम लिखने में मिस्टेक है, तो इसका आप देख लीजिए ना, परिवर्त इसे बोलते हैं, परिवर्त त्रिकोण आसन, परिवर्त, तो यहाँ पे थोड़ा नाम मिस्टेक है। इसमें परिवर्त से देखो आप, इसमें किया क्या किया गया है, आप लोग देख रहे हो कि पैरों को उसी प्रकार जैसे त्रिकोण आसन में 3 फीट या 2.5 फीट, 2.5 से 3, इवन 3.5 तक भी जिसकी जैसी हाइट है और जिसकी जैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उस हिसाब से उतना एक्सपेंड करता है, पैरों को फैलाते हैं, और रिवर्स करके, यहाँ देखो आप बॉडी को ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट करके ये जो देख रहे हो आप, ये कौन सा है, ये इनका लेफ्ट लेग है, लेकिन यहाँ जो हैंड आ रहा है वो क्रॉस करके राइट वाला हैंड लेफ्ट टो के पास रखा जा रहा है, ठीक है। तो यानी अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड, ये वाला यहाँ पे परिवर्त परिवर्त हो रहा है। तो परिवर्त में क्या है कि यहाँ पे अपोजिट क्रॉस करके रखा जा रहा है, तो ये जो ट्विस्टिंग हो रही है वो एब्डोमेन रीजन की, यहाँ पे पूरी ट्विस्टिंग की जा रही है बॉडी की, ठीक है। और जो दूसरा हाथ है वो हाथ एक ऊपर, और ऊपर दृष्टि उस हाथ के पाम की तरफ, ये देखिए यहाँ पे जो पाम अंदर इनर साइड है और दृष्टि उसके ऊपर यहाँ बनी हुई है। तो ये जो आसन है, ये आसन क्या क्या बेनिफिट है, आप देखिए कि जो साइड स्ट्रेच वाले बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि साइड स्ट्रेच भी हो रहा है, और उसके साथ साथ जो आपके लोअर एब्डोमेन की ट्विस्टिंग जो हो रही है, आप देख रहे हो कि वहां पे जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विद्यमान है, बाकी ब्लैडर वगैरह, यूरिन ब्लैडर आदि जो लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन है, वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं, और विशेषकर किडनीज किस तरीके से इफेक्टेड हो रही हैं, और उसके बावजूद जो भी हम कहें कि जो एब्डोमेन कैविटी के ऑर्गन लगभग काफी हद तक इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं, और उनकी सप्लाई, ब्लड के सर्कुलेशन की सप्लाई बढ़ रही है, तो वो हेल्दी हो रहे हैं, इसके लिए ये बड़ा अच्छा खासा आसन है, और इसका ये लाभ है, ठीक है। बाकी बेनिफिट्स देखें तो वही है कि बस शारीरिक क्षमता आप अपनी देख लें, पहले जांच लें कि आप इसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना एक बैलेंस की भी आवश्यकता होती है, ये संतुलनात्मक भी है, क्यों, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं बनेगा तो आप पे रुका ही नहीं जाएगा, इस स्थिति में आप थोड़ा जाओगे कि तुरंत आपका हिलोगे डुलोगे और फिर वापस आना पड़ेगा आपको, तो इस स्थिति में कुछ क्षण या 1-2 मिनट, 1 मिनट बने रहने के लिए आपकी बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेम जो पोस्चर है वो दूसरी तरफ से करते हैं, दूसरे हाथ से, अगला जब इसको इसका काउंटर जब करते हैं वो दूसरी तरफ जाते हैं, तो ये आसन जो परिवर्त त्रिकोण आसन है वो मुख्य रूप से एब्डोमेन कैविटी और लोअर स्पाइन पे, लोअर स्पाइन को भी ट्विस्ट हो रहा था उसमें, और एब्डोमेन कैविटी के जो ऑर्गन है वो भी ट्विस्ट हो रहे थे। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो मुख्य लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक यही है कि जिस ऑर्गन को खींचा जाएगा, मेरी उंगली अभी नॉर्मल अवस्था में है, मैं इस ऑर्गन को खींचूंगा, यदि इस फिंगर को खींचूं तो स्वाभाविक है कि जब तक इसे जैसे ही खींचूंगा तो यहाँ जो सप्लाई है या यहाँ जो ब्लड की सप्लाई जो रुक गई थी किसी कारणवश, वो वापस प्यूरिफाई होने के लिए किडनीज एंड लंग्स में नहीं पहुंची, तो जैसे ही खिंचाव दिया जाएगा वो स्पेस तन जाएगा उस जगह का, और वहां से वो ब्लड जो रुका हुआ है वो अपना स्थान रिक्त करेगा, छोड़ेगा, और फिर वो जाएगा, और जैसे ही मैं इसे फिर लूज छोड़ूंगा, खटाक से जो दूसरे आप ब्लड
जो प्योर या शुद्ध ब्लड जिसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पहुंचेगा और जो उंगली का पेन या किसी ऑर्गन का पेन जो भी है वहां जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाएगी। यही लॉजिक है इस टाइप से। और इसी प्रकार से ये सारे ऑर्गन्स को जो इफेक्ट डालते हैं आसन हमारे, वो इस टाइप से ही इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट वन, तो अग्रिम आसन है ये पार्श्व कोण आसन है। पार्श्व कोण आसन इसमें क्या है कि देखो इसमें और उसमें यही अंतर था, परिवर्त वाले में हम ट्विस्ट कर रहे थे, इसमें सेम लेग सेम हैंड, सेम लेग सेम हैंड है लेकिन जो हाथ है वो लेग के बराबर में, यानी जो टोज एंड फिंगर्स शुड बी इन अ लाइन, एक लाइन में है टोज और फिंगर, ये हमें देखना है यहाँ पे, और सेम साइड बेंड होना है। ठीक है, जैसे और उन आसनों में हम देख रहे थे कि जो ऊपर वाले पाम्स की पाम्स पे दृष्टि रखनी है, दृष्टि आपकी यहाँ होगी, तो वही है, वेरिएशन है। तो इससे जो हमारे ऑर्गन इफेक्टेड हो रहे हैं वो आप देख रहे हो कि यही यहाँ से लेकर के साइड ऑर्गन, पूरे के पूरे जो साइड के ऑर्गन यहाँ से प्रभावित होते जा रहे हैं, और सारी मसल सारी नर्व्स और जो जो ऑर्गन इस रास्ते पे इस लाइन में पड़ रहे हैं वो लगभग सब के सब प्रभावित हो रहे हैं, सभी स्वस्थ हो रहे हैं और वहाँ की सप्लाई बढ़ रही है। सेम इसका काउंटर पोच दूसरी तरफ करते हैं। ठीक है, सावधानियां वही है कि आप बैक की कोई विशेष बड़ा इशू ना हो, सर्जरी वगैरह का ध्यान रखेंगे आदि आदि। क्लियर है ये? सर इसका नाम पर बताएंगे फिर से? पार्श्व कोणासन जी। एक्चुअली त्रिकोण आसन, इसमें क्या है कि त्रिकोण का जो था ना पहले क्या था कि ऐसे ही टो टच कर रखा था, और नॉर्मली हम त्रिकोण को क्या है कि वो इस टाइप से भी कर लेते हैं, आप देखो भी मेरे पैर दिखाई दे रहे होंगे, पूरी बॉडी तो नहीं, आप इस टाइप से पैरों में गैप करके और ये भी कर सकते हैं, ये कर लेते हैं हम लोग इस टाइप से भी, ये यानी जितना हाथ जाता है ये भी त्रिकोण आसन है। तो वहां पे जो है उसमें क्या था कि वो हाथ को टोज के बराबर में रखना है, त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन और पार्श्व कोण आसन इतना आप डिफरेंट जो मैं बता रहा था उसमें क्या है कि त्रिकोण में वो पहले जो दिखाया गया था वो थोड़ा एडवांस लेवल का दिखा दिया गया था, बाकी देखा जाए तो इतना नहीं जाता कि बिल्कुल कोई टो टच कर ले। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि इसमें आपको इस हिसाब से इतना बेंड करना होता है कि आप पूरा हाथ को टोज के बगल में रख पाओ, फिंगर्स आप और टोज दोनों एक लाइन में हो जाए। ठीक है, क्लियर है? पार्श्व कोण में आई थिंक नी बैक फोल्ड होता है 90 डिग्री से, और फिर हम कुंदन जी आवाज बहुत कम आती है मुझे आपकी, पता नहीं मुझे ही आती है कि शायद सबको बड़े गौर से सुनना पड़ता है, मुझे ऐसे जैसे कुछ लोगों को हार्ड ऑफ हियरिंग की दिक्कत होती है ना वो लोग सुनते हैं जो ऐसे करके मुझसे, मुझे ऐसे सुनना पड़ता है आप जब बोलती हो। नहीं, ये कह रहा हूँ कि पार्श्व कोण आसन में नी फोल्ड होता है तब हैंड को स्ट्रेच करते हैं वो ना कुंदन जी, मुझे लगता है ना आपको तरफ नेटवर्क इशू भी है, वो वॉइस ब्रेक भी हो रही है बीच में शायद, मुझे लग रही है कि सभी को लग रही हो जो भी है और किसी को लग रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो आप, टाइम ब्लूटूथ में लगता है। सॉरी यार, सॉरी। पार्श्व कोण आसन में नी फोल्ड होता है मैं ये कह रहा हूँ,
अच्छा नी फोल्ड होता है, पार्श्व कोण आसन में नी नी फोल्ड करके तब रखना होता है। हाँ आप जो है ना जो भी कह रहे हो आप वो भी है, तो देखो आप इस स्थिति को कह रहे हो कि आप ऐसे रखा और ये जो नी है वो 90 डिग्री फोल्ड किया कुछ इस तरीके से और हैंड को यहाँ रख लिया, ये आप इसकी कह रहे हो ये वाली सिचुएशन है वो पार्श्व कोण आसन की है। तो ठीक है ये भी वेरिएशन है कि यहाँ कहीं कहीं ये भी चलता है, यही बोलना चाह रहे थे आप कुंदन जी जो मैंने दिखाया अभी आपको। जी 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 ओके हाँ तो देखो इनमें क्या है कि एक्चुअली मतभेद तो इसलिए है कि किसी संस्था में कुछ करवाते हैं किसी में कुछ करवाते हैं, लेकिन हमें जान लेना है कि हाँ ये भी होता है या ऐसे भी होता है, पर ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते ये आप निश्चिंत रहिए, जो कि मतभेद उत्पन्न करें ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि फिर वो बाद में क्लेम डालते हैं बच्चे उन आसनों उन क्वेश्चंस पे और जब क्लेम पढ़ते हैं तो वो उन्हें रिजेक्ट करने पड़ते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे जाते कि जो रिजेक्ट करने पड़े। ठीक है आ जाइए आगे। इसमें क्या है कि इसमें नी स्ट्रेट रख लिया है लेकिन नी बेंड करके भी करते हैं जैसा कि अभी कुंदन जी ने बताया। बाकी नेक्स्ट वन है जो हमारे पास हमारे अब यहां से इतने जो आसन थे वो थे नहीं ये बैठने वाला आसन है लेकिन इन्होंने डाल रखा है खड़े होने वाली स्थिति में, और इसमें वीरासन है, इसमें वीरासन जो लिख रखा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जो ये ई है वो यहाँ से लगेगी कैपिटल ई है बड़ी, तो वीरासन है वीर या वॉरियर 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 पोज जिसे बोलते हैं, तो उसमें नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक योद्धा एक वीर किस तरीके से बैठ जाता है कि एक पैर को तो यहाँ पे देखो एक पैर को देखो बैंड करके जैसे वज्रासन में बैठते हैं उस तरीके से रखा है और दूसरे को नी को बैंड करके उस पे अपनी एल्बो रखी है और वो मुंह पे रख लिया है, और एक हाथ जो दूसरा हाथ है वो राइट हैंड राइट नी पे रखा हुआ है, तो ये वीरासन है। और इसके फायदे देखें हम यदि बेनिफिट की चर्चा करें तो जैसा कि जो देखिए वज्रासन से जो फायदे होते हैं उससे इससे भी उसके इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये अर्ध रूप में है कहीं ना कहीं जो श्रोणी प्रदेश है पेल्विक रीजन उसके लिए ये काफी प्रभावपूर्ण आसन है या लाभप्रद आसन है। उसके साथ साथ जो लोअर एब्डोमेन ऑर्गन है जिन्हें जेनेटिक्स ऑर्गन कहें उनको भी ये प्रभावित करता है और उनकी कार्य क्षमता या उन्हें स्वस्थ बनाता है ये, क्योंकि इसका इफेक्ट उन ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। आप अपना कॉमन सेंस भी हर जगह लगाओगे तो खुद देखोगे कि इसका वास्तविक इफेक्ट किन किन ऑर्गन्स पे पड़ना चाहिए और पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हर आसन के बेनिफिट बता सकते हो। ठीक है तो ये वीरासन वरियर बंटू की बात है। और हाँ ये जो कुंदन जी बात कर रहे हैं जो भी के इसके कई और भी वेरिएशन हैं वीरासन और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला वीरासन रखा गया है और वीरासन और भी तरीके से होते हैं और वीरभद्र आसन भी होता है, वीरभद्र जैसे बोलते हैं वो भी होता है, और उसमें क्या है कि वो बैलेंसिंग उसमें दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से सीधा किया एक तराजू की तरह पूरी बॉडी को जो सीधा कर देते हैं राइट लेग पीछे करके हा? तो वो भी कुछ जैसे आप देख सकते हो वो वीरभद्र इस टाइप से क्या करते हैं कि उसमें सामने में ऐसे आगे की तरफ झुके और पैर सीधा रखते हुए बॉडी को कुछ ही सलाइन में लेके आते हैं, ये वीरभद्र है और ये वीरासन है जो अभी हमारे इसमें लगा हुआ वीरभद्रासन है वो सबने सही। हाँ बिल्कुल तो क्लियर है ये जो अभी हमने आसन करा वीरासन।
अच्छा उसको वॉरियर कहते हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, थैंक यू स्टैंडिंग वाले को, ठीक है उसको वॉरियर और इसको वीरभद्र। चलो तो ये वाला क्लियर हो गया है, वीर आसन। तो इस प्रकार जो हमारे जितने सिलेबस में खड़े होकर किए जाने वाले जो आसन हैं वो इतने हैं जिन पे हमने चर्चा करनी थी, वो अभी कर ली है। अब जो अग्रिम आसन जो हैं वो बैठकर करने वाले हैं और पेट के बल प्रोन पोस्चर हैं और स्पाइन पोस्चर हैं और कुछ बैलेंसिंग पोस्चर हैं। तो इस टाइप से ये आसन बनते हैं आगे आगे आने वाले हैं। चलिए अभी समय थोड़ा सा है अपने पास, अगले आसन की भी चर्चा कर लेते हैं जो बैठकर किए जाने वालों में। ये देखिए, ये आप देखोगे सबसे पहले पश्चिमोत्तान आसन की चर्चा यहाँ पर है। पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिम, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम जो पोर्शन है वो स्पाइन जो पीछे का जो इस पश्चिम भाग है इसको पश्चिम बोलते हैं, और पश्चिमोत्तान इस भाग को तानना या इस पर खिंचाव देना पश्चिमोत्तान कहा जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पहले आप दंडासन में बैठ जाते हैं और दंडासन में बैठ करके पूरी बॉडी को पहले प्री प्रैक्टिस के तौर पे आपने क्या करना होता है कि आप इसे जानु शिरासन नाम से जो आसन है उसे कर लें, तो इससे प्री प्रैक्टिस हो जाती है और एक एक पैर से हम या अर्ध पश्चिम तान आसन जिसे आप कह सकते हो वो कर लें। तो उसे करने के बाद जब इस अभ्यास को निरंतर पहले मूवमेंट के साथ भी करते हैं तब हम करें तो हमारा एब्डोमेन जो है वो थाइस पे लग जाता है और जो वक्ष स्थल है वो नी पर और जो फोर है जैसा कि पादहस्तासन में लगा था सिन बोन पे जाकर के वो वहां पे टच होता है और ये वाला जो यहाँ गैप है वो गैप नहीं दिखना चाहिए। और दूसरी चीज मैट के नीचे यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है यहाँ से भी आपकी नी अप नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान इसमें रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स की बात करें तो उदर रोगों में काफी लाभप्रद सिद्ध होता है और उसके साथ साथ आपके ये जेनेटिक्स और यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन पे भी उस सिस्टम पे भी काम करता है ये आसन। और शास्त्रोक्त यदि वर्णन देखें तो इसके प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित करता है क्योंकि ये पश्चिम भाग में जाकर के और पश्चिम भाग में सुषुम्ना स्पाइनल कोड में स्थित है या स्पाइनल कोड ही सुषुम्ना है हमारी, तो उसमें प्राण वायु को प्रविष्ट कराता है ये पश्चिमोत्तान आसन। आपको सावधानी बरतें, यदि सावधानी पे इसके नजर डालें तो जिनको बैक की समस्या है, जिन्हें बैक पेन है, स्लिप डिस्क है आदि इस प्रकार की जो समस्या है वो इसे अवॉइड करेंगे, वो इसे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यदि वो इस अभ्यास को करते हैं तो उनका बैक पेन बढ़ जाएगा और वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज में इसे विशेष ध्यान रखना है। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान इसे कर नहीं सकते, कोई किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तब नहीं कर सकते। बाकी जो एब्डोमेन पे प्रेशर वाले जो आसन है वो आप ये ध्यान रखो कि प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान उन्हें आप अवॉइड करें क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल कम होता है, वीक हो रखा होता है और एब्डोमेन पेन पहले से ही माताओं बहनों को बना होता है और उस दौरान पेट पर प्रेशर वाले कोई भी अभ्यास किए जाते हैं तो उनसे समस्या और बढ़ सकती है और उससे उस आसन का कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स समझ चुके हो। आप बताइए ये आसन पश्चिमोत्तान से जुड़ा किसी का कोई वो, और इसका मैं बता दूं कि इसका जो काउंटर पोज है
वो काउंटर पोज पूर्वोत्तान आसन है। पूर्वोत्तान में इसी में से डायरेक्ट जैसे आप वापस आते हैं तो उसमें क्या करना होता है, जैसे आप यहाँ ऐसे हो, ऐसे से वापस आए हो, ऐसे में दोनों हाथों को पीछे ले गए और यहीं से अपने हिप रीजन को ऊपर उठा दिया, कुछ इस तरह, इस प्रकार इसमें उठना होता है। ज्यादातर ये नियम है कि यदि हम मैन पोस्चर में एक मिनट होल्ड कर रहे हैं तो उसके उसके आधे टाइम तक आप उसके काउंटर पोज में होल्ड करें। ये क्लियर हुआ है सभी को? पश्चिमोत्तानासन सर, इसके फायदे लाभ और सावधानी बताई नहीं ना जी? ये पूर्वोत्तासन पूर्व क्या बोला आपने इसको, आसन पूर्व, हाँ पश्चिमोत्तान और इसका जो काउंटर जो मैंने अभी करके दिखाया उसे पूर्वोत्तान, ठीक है, जो लिख भी रखा है कुंदन जी ने लिखा है, देखो टेक्स्ट में आप पढ़ लो, पूर्वोत्तान आसन जी, यानी पश्चिम भाग बॉडी के पिछले हिस्से को पश्चिम बोलते हैं या पश्चिम बोलते हैं, इसीलिए पश्चिमोत्तान, पश्चिम उत्तान, और बॉडी के अग्र भाग को पूर्व बोलते हैं, तो इसीलिए इसको जब खिंचा देते हैं तो इसे पूर्व उत्तान, यानी पूर्वोत्तान और पश्चिमोत्तान, ठीक है सर? सर को नाभ्यासन भी बोलते हैं। सॉरी एक बार दोबारा बोलिए। सुभि जी, सुभि शुक्ला जी, क्या बोल रहे थे? हेलो सर, वो पूर्वोत्तानासन को नव्यासन भी बोलते हैं? नव्यासन, हाँ कितने बार करना चाहिए, एक दो दिन? सर आवाज कट रही है। हाँ वॉइस कट रही है सुभि जी, कोई नहीं, आप टाइप कर दीजिए, मैं आपके मैसेज कमेंट में पढ़ लेता हूँ और फिर मैं जवाब दे दूंगा। कितनी बार अजीत देव जी, कितने बार करना चाहिए? देखिए मुख्य रूप से यदि आप एक बार अभ्यास करते हो खाली पेट सुबह में वो पर्याप्त है, और रही बात के कितने राउंड करने चाहिए, तो इसकी जितनी आप होल्डिंग कमांड पाओगे जिस आसन पे भी, कुछ पहले 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर धीमे धीमे 30, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इवन जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर पा सकते हो उस आसन में, उतनी ही अच्छी सिद्धि, उतनी ही महारत आपको प्राप्त होगी, ठीक है? डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, कुंदन जी कह रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि आपकी जैसी क्षमता वो उतना होल्ड करेगा। चलिए और देखते हैं, पश्चिमोत्तान, उसके आगे है सुप्त वज्रासन, द सुपाइन थंडरबोल्ट पोज। आप देखो सुप्त वज्रासन को, ये देखिए, एक्चुअली दो आसनों का कॉम्बिनेशन है, या ये कहें एक आसन में पहले जाना है फिर उसमें से स्थिति चेंज करके दूसरे आसन का रूप धारण होता है, कि सबसे पहले आपको वज्रासन लगाना है। वज्रासन कैसे लगाते हैं? नॉर्मली हम दाएं पैर की एड़ी को मोड़ा, दाएं पैर को मोड़ करके हिप के नीचे रखा, दाएं हिप के नीचे, बाएं पैर को मोड़ के बाई हील को बाई हिप के नीचे रखे, उस पर बैठ जाते हैं। नॉर्मली दोनों हाथ थाइस पे रख के बैठ जाते हैं। अब इसी को धीमे धीमे एल्बोज की हेल्प के साथ पीछे बैंड होते, पीछे झुकते और ग्राउंड पे जाने की कोशिश करते हैं। फिर कोशिश रहती है कि अपनी जो गर्दन है वो सिर है, वो सिर का इस पोर्शन को रखा जाए और ये वाला पोर्शन चेस्ट रीजन और थ्रोट रीजन कुछ ऊपर की तरफ अधिक उठा हुआ रहे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ से ये वाली स्थिति यहाँ तक की, आप ये थ्रोट तक की, सॉरी ये देखिए, ये थ्रोट तक की, यहाँ तक की जो स्थिति देखोगे
वो बिल्कुल ही अलग है कि यहाँ से ये सारे के सारे ऑर्गन, यहाँ पे देखिए लिवर है, इधर एब्डोमिन है, स्प्लिन है, और जो ऊपर के जितने भी ऑर्गन है, फिर यहाँ एओर्टा, वेना कैवा आदि हैं, फिर लंग्स है, हार्ट है, और यहाँ फिर थायराइड ग्लैंड आदि, वो सभी के सभी इधर इफेक्टेड हो रहे हैं। फिर उसके बावजूद यहाँ जो पैर से वज्रा नाड़ी आदि प्रेस हो रही है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो काम करता है वज्रासन, तो वो वज्रासन वाला भी यानी बेनिफिट भी यहाँ हो रहा है, और उधर ये वाले ऑर्गन भी सब इफेक्टेड हो प्रभावित हो रहे हैं, और उससे यहाँ इस पूरे के पूरे प्रदेश की इधर की प्लस यहाँ नीचे की सप्लाई में चेंज आ रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का बदल कर ये ऑर्गन्स को हेल्दी कर रहा है, इसके बेनिफिट रहे। लेकिन सावधानी यदि बात करें तो सावधानी जो है सभी से, ये बैकवर्ड बेंडिंग लेटा नहीं जाता, जिनकी थाइज फैट ज्यादा है वो नॉर्मली आप पूरा ना भी लेट पाएं और लगा करके सिर्फ इस अवस्था में भी आ जाएं कि आप ऐसे ऐसे बैठ करके ऐसे भी आए तो भी धीमे धीमे इसका अभ्यास कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जो बिगनर्स हैं वो यदि डायरेक्ट इस पोस्चर में जाने की कोशिश करेंगे तो ये थाई मसल्स बहुत अच्छे तरीके से खींचती है और आपको नेक्स्ट डे बहुत पेन होगा। नहीं तो जो अभ्यासी है वो इस प्रकार से हाथों को रखें, ये रख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और बाकी रही शारीरिक क्षमता के ऊपर, जिसकी जैसी क्षमता है शरीर की वो उस हिसाब से उसे कर सकता है। तो काफी प्रभावपूर्ण और लाभप्रद आसन है ये, ठीक है, ये क्लियर हुआ लगभग सभी को। सर ये कंधा टच करेगा नीचे, कंधा इसमें शोल्डर जो है ना, शोल्डर यहाँ जो दिखाया गया है, देखो शोल्डर टच हुए हैं, शोल्डर हुआ है टच, क्योंकि शोल्डर ग्राउंड पे आए हैं, शोल्डर हवा में नहीं रख सकते, शोल्डर हवा में रखोगे तो पूरी बॉडी यहाँ से लेकर के ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की बॉडी सारी हवा में कैसे रह सकती है कि केवल ये आया पर। लेकिन कोशिश करनी है कि आपको जो है ये वाला जो पोर्शन है आपका वक्षस्थल, वो ऊपर की तरफ पुश करना है। वैसे बहुत सारे साधक क्या है कि शोल्डर तक भी उठा देते हैं, सिर पे ही रखते हैं, जैसे मत्स्य आसन आप लोगों ने देखा होगा, फिश पोज। तो फिश पोज में जो आएगा कि फिश पोज जब दिखाया जाएगा, मत्स्य आसन इसमें होगा, तो वो ये कुंदन जी बोट पोज ये नहीं है, बोट पोज जैसे होता है वो फिश पोज की तरह है, ये मत्स्य आसन की तरह है, बोट पोज की तरह नहीं है, इसे फिश पोज कह सकते हैं कहीं ना कहीं। बाकी ये फिश पोज नहीं है, उसमें क्या करते हैं पद्मासन लगा करके पीछे लेटते हैं। बाकी इसमें वज्रासन में तो सुप्त नाम दिया गया है, यानी कि सोया हुआ लेट कर किए जाने वाला आसन सुप्त वज्रासन है, वज्रासन ही, लेकिन इसकी स्थिति चेंज कर दिए और इसका नाम बदल गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है सभी को अभी तक वो, हम लोगों ने वो मैंने सुभी जी का प्रश्न का उत्तर दिया है पहले वाले, वो मैंने सुभी जी के प्रश्न का उत्तर दिया था सर। अच्छा अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का। ओके ओके, मुझे लगा कि शायद वो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें सर हमारे कॉलेज में ना, हेलो जी सर, हमारे कॉलेज में पूर्व उत्थान आसन है ना, उसी को नव्यासन भी बोलते हैं हमारे कॉलेज में, उसी को कराते हैं। कोई बात नहीं, कि इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। एक नाम और बता दिया मैम ने, जैसे नव्य, नव्य बोला ना, नव्यासन, तो इसे नव्य आप नाम से भी जान लीजिए, बाकी ऐसी कोई विवाद का विषय नहीं है कि ना जी नव्य बोलेंगे या मैं कहूँ ना जी पूर्व उत्थान ही कहेंगे, ठीक है। अब बहुत सा कहीं एक आसन को कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, स्थिति वही है, थोड़ा बहुत चेंज करके भी नाम बदल दिया जाता है, सेम स्थिति वही है, थोड़ी चेंज कर दी कि किसी में शोल्डर टच थे, किसी में शोल्डर नहीं थे, तो कह दिया इसका नाम बदल दिया, हाँ नव्य आसन, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो आज हमने जो है
जो खड़े होकर किए जाने वाले और बैठकर में सारे तो नहीं, अब नेक्स्ट डे बाकी आसनों का अभ्यास हम करेंगे। और ये आसन जो आज हमने सुप्त वज्रासन तक देखे, अगली कक्षा भी है प्रणव सर की, तो आ जाइए। मुझे लगता है सभी की जो फंडामेंटल या जो भी है सब कुछ क्लियर होंगे, इससे जुड़ी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आ जाइए प्रार्थना कर ले, शांति पाठ कर लेते हैं। प्रणाम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी तो सार जी कहिए। सर आपने जो स्टैंडिंग वाले पोज बताए थे सर, उसमें सबसे लास्ट जो आसन है वीरासन, वो सर स्टैंडिंग में, लेकिन सर आपने फोटो जो दिखाई थी वो तो बैठ के कर रहे हैं उस आसन में सर। मैंने बताया था ना वो बैठ के था, और एक वीरभद्र जो यहाँ पे हमारे इधर जैसे वीरभद्र कहते थे, वो जो खड़े होके करके दिखाया था कि बॉडी को पूरा एक पैर पे एक लाइन में जैसे तराजू की तरह कर दिया जाए, वो वीरभद्र भी है उसे। और भी कई वेरिएशन है इसकी। ओके सर, तो सर करेक्ट वही माना जाएगा ना जो आपने दिखाया? वैसे तो ये है कि देखो वही वाली बात है, तो सर जी मैंने कह दिया कि जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जहाँ पे विवाद के जो बात होती है, वहाँ आप अपनी, अगर कोई बाइबा पूछ टाइप्स पूछ रहा है आपसे, यदि कोई बाइबा में पूछ रहा है, तो आप उसे दोनों ऑप्शन दे दो कि सर यहाँ पे हमारे प्रचलन में हमने जो सीखा है वो ये है, बाकी इसका एक नाम ये भी है कि इसे इस नाम से भी जानते हैं, इस टाइप से। यदि आप वैसे आंसर कर दोगे ठीक है, लेकिन जो मेन एग्जाम्स हैं जैसे UGC नेट है और जो मुख्य एग्जाम्स जो एजेंसी कंडक्ट कराती है, वो ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करती है जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करें। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। चलिए शांति पाठ, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएं सभी, आंखें कुछ क्षण के लिए बंद, लंबी श्वास लेकर के एक बार ओम, फिर शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सभी को नमस्कार, सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद। मंगलमय हो। प्रणव सर हमारे साथ कक्षा में मौजूद हैं, आइए प्रणव सर का स्वागत है।